दोस्तों आज हम लोग जिस प्लांट के रिगार्डिंग बात करेंगे उसका साइज है 20 फीट x 30 फीट। ये 66 गज में बना हुआ है। इसका स्क्वायर फीट है 600 स्क्वायर फीट। इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 6 लाख पर यूनिट। फ्रंट साइड में रोड है, फ्रंट का डायमेंशन है 20 फीट, इस साइड का डायमेंशन 30 फीट, बैक का डायमेंशन 20 फीट और इस साइड का डायमेंशन 30 फीट है। दोस्तों इस प्लान में सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लांट के डायमेंशन से। ये फ्रंट साइड में रोड है, यहाँ मेन गेट दिया हुआ है। इस मेन गेट से जब हम लोग इन करेंगे तो यहाँ सबसे पहले स्टेयर एरिया आएगा। ये स्टेयर एरिया है, इसका डायमेंशन है 10 फीट 11 इंच x 9 फीट 10 इंच। इस साइड का डायमेंशन 10 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन 9 फीट 10 इंच है। इस स्टेयर एरिया में एक विंडो फ्रंट साइड में दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है रोशनी के लिए। ये डोर है अंदर जाने के लिए। इस स्टेयर एरिया में यहाँ से अप होना स्टार्ट होंगे, यहाँ फर्स्ट लैंडिंग आएगा, इसके बाद और अप होंगे तो सेकेंड लैंडिंग आ जाएगा, इसके बाद और अप हो करके हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएंगे। दोस्तों इस स्टेयर एरिया के बाद हम लोग जब यहाँ से इन करेंगे तो सबसे पहले डाइनिंग स्पेस मिलेगा। इसका डायमेंशन है 9 फीट 6 इंच x 12 फीट 10 इंच। इस साइड का डायमेंशन 9 फीट 6 इंच और इस साइड का डायमेंशन 12 फीट 10 इंच है। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 8 फीट 11 इंच, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 5 फीट 6 इंच। इस डाइनिंग स्पेस में एक यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है, इस साइड में एक विंडो लगा हुआ है। इस डाइनिंग स्पेस के साथ हमने इस साइड में एक किचन दिया है, इसका डायमेंशन है 6 फीट 11 इंच x 8 फीट 11 इंच। इस साइड का डायमेंशन 6 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन 8 फीट 11 इंच है। इस किचन में एक विंडो इस साइड में दिया गया है और एक विंडो फ्रंट साइड में दिया गया है। ये किचन स्लैब है, यहाँ पे ओपन डोर दिया गया है। इस डाइनिंग स्पेस के साथ हमने यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया है, इसका डायमेंशन है 5 फीट 6 इंच x 5 फीट 11 इंच। इस साइड का डायमेंशन 5 फीट 6 इंच और इस साइड का डायमेंशन 5 फीट 11 इंच है। इस बाथरूम में यह एक वेंटिलेशन दिया हुआ है, ये डोर है इस बाथरूम का। इस डाइनिंग स्पेस के साथ हमने इस साइड में एक रूम दिया है, इसका डायमेंशन है 11 फीट 11 इंच x 9 फीट 11 इंच। इस साइड का डायमेंशन 11 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन 9 फीट 11 इंच है। इस रूम में एक विंडो इस साइड में दिया गया है और एक विंडो बैक साइड में दिया गया है। ये डोर है इस रूम का। इस डाइनिंग स्पेस से हम लोग इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक और रूम दिया है, इसका डायमेंशन है 11 फीट 11 इंच x 8 फीट 11 इंच। इस साइड का डायमेंशन 11 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन 8 फीट 10 इंच है। एक विंडो बैक साइड में दिया गया है इस रूम में और एक विंडो इस साइड में दिया गया है। ये डोर है इस रूम का। दोस्तों हम लोग वाल की बात करें तो इस प्लान में सभी वाल 5 इंच के दिए गए हैं, ये 5 इंच है। ये था दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का प्लान। हम लोग फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर में भी ग्राउंड फ्लोर का जो डायमेंशन है वही सेम डायमेंशन रहेगा फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक। दोस्तों ये था हमारा 20 फीट x 30 फीट का हाउस प्लान। उम्मीद है आपको ये प्लान भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।